Hi, good morning, all of you. Welcome to daily newspaper analysis of the Hindu and the Indian Express today. Though today more of the Indian Express because our sare article hum Indian Express ke karne wale hain. Dono hi topic, in fact, maine kal, it's very surprising that kal maine jo aapko assignment diya tha, wo dono hi assignment ke upar back to back article aa gaya aaj ke newspaper mein. Ek maine diya tha aapka rape ko leke aur dusra jo maine aapko assignment diya tha that was on the Haryana reservation bill, private sector reservation bill. एंड इंटरेस्टिंगली दोनों के ऊपर ही आज इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें. एंड जस्ट ड्रॉप अ मैसेज दैट सर इज लाइव फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए. दोनों ही टॉपिक आपके जो है कैन बी आस्ड इन GS1 GS2 पेपर, SO में भी आ सकता है. सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दीज टू आर्टिकल्स. Good morning, all of you. Good morning. Welcome to the daily newspaper analysis. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Jai Shri Rahul, Chahat. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. हाँ जी दिव्यांशु जी, मैंने सबका देखा. इनफैक्ट मैं हैव सीन, मैंने जैसे बोला कि था कि आप लोगों को मैंने जो असाइनमेंट दिया था कल, वो सारे असाइनमेंट देखता हूँ मैं. तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड इट्स रियली ग्लैड टू सी सो मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग इन इट, यू नो, पार्टिसिपेटिंग इन इट. सो चलिए तो डेली मोटिवेशन कोट फॉर टुडे. सो स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, स्मॉल एंड स्टेडी प्रोग्रेस एवरी डे विल टेक यू टू प्लेसेस व्हिच यू हैव नेवर इमेजिन्ड. सो स्मॉल, थोड़े थोड़े प्रोग्रेस रोज रोज करते रहो. आई थिंक दैट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस. तो कई बार हम लोग परफेक्शन के चक्कर में ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. जैसे होता है ना कि ये बुक पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक के लिए 10 बुक पढ़ लो, PhD करने के चक्कर में लग जाते हैं हम लोग. तो PhD से कुछ नहीं होगा. सो स्मॉल प्रोग्रेस विल टेक यू मच मच अहेड एंड मच मच फादर देन यू नो व्हेन यू ट्राइविंग टू अचीव परफेक्शन. परफेक्शन के चक्कर में ना छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हैरान सा हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोग्रेस, स्मॉल प्रोग्रेस बट स्टडी प्रोग्रेस. चाहे एक चैप्टर ही पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो आज. चलिए सो दिस इज द शेड्यूल फॉर फ्री क्लासेस ऑफ मार्च. दिस इज योर स्पेशल क्लासेस जो मैंने कल आपको बताया था. एक तो शंकर आईएएस की एनवायरमेंट सीरीज होगी, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे, IR के ऊपर सीरीज होगी और पॉलिटी MCQ के ऊपर होगा प्रीलिम्स 2021 के लिए. सो यू कैन यूज कोड DPS लाइव और Deep27. सिमिलरली यू कैन यू नो ज्वाइन एनी ऑफ दिस प्लस कोर्सेज. पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम 10th of March, ऑप्शनल सोशोलॉजी पेपर 2 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स ऐड होंगे. कोर टॉपिक्स भी स्टार्ट होगा फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 15th of March. देन IR के ऊपर और प्रॉबेबली इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक कोर्स होगा इन दी 20th March के आसपास. सो यू कैन यूज कोड DPS लाइव अगेन टू गेट 10% डिस्काउंट. बाकी यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दीज बैचेस 2021-22-23 वाले यूजिंग द सेम कोड. आई एम टीचिंग वेंकटेश, श्रेया, ऑल ऑफ दीज टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग इन दीज बैचेस. तो या तो आप GS के साथ कंबाइंड ले सकते हो या फिर आप सेपरेट ले सकते हो, आइकॉनिक के साथ कंबाइंड ले सकते हो या ऑप्शन अलग ले सकते हो. दैट जस्ट चॉइस अप टू यू, बट जनरली द कंबाइंड वन इज अ बेटर वन सो दैट आपकी इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए अलॉन्ग विद ऑप्शनल. सो अगेन द कोड इज DPS लाइफ फॉर 10% डिस्काउंट. लेट मी नो वंस यू डू दैट ऑन माई ID DSing27AV एनी क्वेरीज दैट यू हैव. और अगर मैं नहीं कर पाऊँ बिकॉज ऑफ सर्टन एमरजेंसीज, यू कैन रीच आउट एनी टाइम टू टीम दीपांशु. दे विल रिस्पॉन्ड विद इन आवर मैक्सिमम. टीम दीपांशु, टीम DEEPANSHU. तो पहले आज के एडिटोरियल्स जाने से पहले, तीन एडिटोरियल है वैसे आज.
दो तो एक उसी टॉपिक में जो हमने कल डिस्कस किया था, रेप एंड हरियाणा रिजर्वेशन बिल, उसका एक्सप्लेन सेक्शन भी आया है, उसको कंबाइन कर दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसके अलावा एक है ऑन लिबर्टी के ऊपर, एक हिंदू में आर्टिकल आया है, उसका माइंड मैप दे दिया है टीम ने आप लोगों के लिए, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. तो आज लेकिन अगर आप देखोगे दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह की एनिवर्सरी है, और उसको लेके जो नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल है दांडी में, वहां पे कुछ अट्रैक्शंस हैं, तो हो सकता है कभी आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एमसीक्यू में, टेस्ट सीरीज में सवाल आ जाए तो पता होना चाहिए. सो एक तो वहां पे आप देखोगे मुरल्स लगाए हुए, नैरेटिव मुरल्स बनाए गए हैं डिपिक करने के लिए क्या क्या हुआ था. महात्मा गांधी जी की स्टैचू है, सॉल्ट मार्चर्स बनाए हुए हैं, 80 ब्रॉन्ज स्टैचूज लगी हुई हैं, देन सॉल्ट मेकिंग पैन्स भी हैं वहाँ पे, देन एक पिरामिड ऑफ लाइट लगाया गया है, एक आर्टिफिशियल लेक है जो सिंबलाइज करती है आपके सी को, क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ से समुद्र में जाके नमक उठा के गांधी जी ने जो सॉल्ट जो लॉस थे टैक्स से उसको तोड़ा था. देन सोलर ट्रीज भी लगाए गए हैं वहाँ पे सेल्फ सफिशेंसी को हाईलाइट करने के लिए. तो सॉल्ट सत्याग्रह का आज आप देखोगे एनिवर्सरी है, इस वजह से ये न्यूज़ में पूरा पेज में भरा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द ईयर 1930 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो टैक्सेस लगते थे अनफेयर टैक्सेस ऑन सॉल्ट, तो ये आपका जो दांडी मार्च था ये कितने दिन में कंप्लीट किया गया था, इट वॉज कंप्लीटेड इन 24 डेज विथ 80 मार्चेस, 80 लोग थे साथ में, 24 डेज में कंप्लीट किया गया था, एंड दे विजिटेड मोर देन 21 प्लेसेज वॉकिंग अबाउट 390 किलोमीटर्स, 390 किलोमीटर पैदल, 21 से ज़्यादा प्लेसेस गए थे, 24 दिन लगे थे कंप्लीट करने में, और 80 से ज़्यादा 80 के लोग आसपास लोग थे जो साथ में मार्च किया था जिन्होंने. सो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर दांडी मार्च. बाकी ये तो खैर नोट्स में मिल जाएगा, आप थोड़ा इसकी क्विक रीडिंग मार लेने, जस्ट रीड इट क्विकली. ओके, कमिंग बैक टू द फर्स्ट एडिटोरियल फॉर टुडे, दिस इज रिगार्डिंग द हरियाणा रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर बिल. तो इसके ऊपर ये प्रताप भानु मेहता जी ने आर्टिकल लिखा है. जनरली मैं इनके आर्टिकल लेता नहीं हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में, बिकॉज एक तो पहली चीज़ बहुत ही हाई फाई इंग्लिश में होते हैं, पढ़ने के लिए आपको पहले तो डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, और मोस्टली वो उससे बड़ा रीज़न ये है कि वो तो चलो फिर भी मैनेजेबल है, द इशू इज़ दैट मोस्टली वो एंटी गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट बैशिंग होती है. इसीलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट है, इसमें से आप कुछ नोट नहीं कर सकते और आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिकल है. बट जो हमारे लिए वैल्यूबल पॉइंट्स है टॉपिक को समझने के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस या जजमेंट्स हैं, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है जो हम आज समझेंगे. उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है, व्हाट आर द बिल्स रिगार्डिंग दिस एंड व्हाट आर द केसेस दैट हैव बीन इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस. तो इससे शुरुआत करते हैं, देन वी मूव टू द अदर केस, दैट इज जो कंसेंट वाला क्लॉज है इन रेप, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहे, उसके बारे में बात करेंगे. तो एज यू नो कि जो हरियाणा सरकार है वो बिल लेके आई है जिसमें 75% रिजर्वेशन की बात की गई है ऑफ न्यू जॉब्स इन प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट अंडर अ कॉम्पनसेशन थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000. तो 50,000 सैलरी तक के जॉब्स हैं उसमें जो है आपके 75% सीट रिजर्व रहेगी फॉर लोकल पीपल, लोकल डोमिसाइल पीपल. तो ये एक तरीके का आप देखोगे बड़ा ही सिमिलर पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है. कर्नाटका में भी सेम चीज़ हुई कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, लेबरर्स हैं, उनमें रिजर्व किया जाएगा वहाँ के लोकल्स के लिए. मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली उन्होंने बोला कि 100% रखेंगे हम. तो मध्य प्रदेश वाले में तो शिवराज चौहान जी का तो स्टेटमेंट था कि हम 100% रिजर्व करेंगे. सिमिलर केसेस हैव टेकन प्लेसेस इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इशूइंग सिमिलर सर्कुलर्स डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज टू हायर लोकल रेजिडेंट. अब आप अगर इंडियन एक्सप्रेस का आज का या हिंदू का पहला पेज देखोगे उसमें पहली चीज़ जो लिखी हुई है कि दिस विल ब्रिंग बैक लाइसेंस राज एंड परमिट राज सिस्टम, जो हरियाणा का जो रिजर्वेशन बिल है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पेनल्टीज इन्फोर्स की गई अगर ऐसा प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं, दो उनमें एक एक्सेप्शन क्लॉजेस दिए गए हैं कि अगर लोकल टैलेंट अवेलेबल नहीं है तो आप हायर कर सकते हो, बट नेवरदलेस ये सरकार की डिस्क्रिशन पे होगा. अगर आप नहीं कर पाओगे तो सरकार को कन्विंस बहुत करना पड़ेगा. तो वो एक तरीके का क्या है कि आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल गेट अफेक्टेड. बट शायद हरियाणा सरकार को पता है ये चीज़ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है इसकी 100% चैलेंज होगी और ये स्टैंड नहीं करेगा, उन्हें ऑलरेडी पता है ये चीज़. बट क्या होता है ना, देखो हमारे यहाँ पे देश में
जो जनता होती है उसे लगता है सरकार ने कुछ तो करा, बिकॉज दे डोंट नो द लीगल टेक्निकलिटीज ना, वो तो हमें पता है आपको पता है कि ये कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा, कोर्ट मना कर देगी, बट लोगों को बहकाने के लिए बोलना बहुत आसान होता है कि लोग को बोल सकते हैं अरे हमने तो देखो कर दिया था, कोर्ट ने मना कर दिया, हम क्या करें इसमें, अब दोबारा इसको चैलेंज करेंगे। तो सरकार तो देखो कदम उठाते रहेगी बिकॉज इट्स अबाउट सिंपल वोट बैंक पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट वोट्स, तो वो करते रहेंगे, उन्हें करना है। तो इसीलिए तो हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगी, जुडिशरी का काम है उसको चेक करना, चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करके रखना। सिमिलरली सारे जो विंग्स आपके डिफरेंट विंग्स हैं उनका अपना अपना काम है। तो पहली चीज़ ये कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ये इनडिफेंसिबल है, ऐसा प्रताप भानु मेहता बोलते हैं कि ये इनडिफेंसिबल है, ये इसको डिफेंड करना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रिजाइड विद सर्टन एक्सेप्शंस इज अलाउड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, कुछ एरियाज में आप नहीं जा सकते, प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं जा सकते, बट वो आर्टिकल 19 के अंदर गारंटीड है। मोर इम्पॉर्टेंटली दिस प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट इज अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें भी जो लिखा हुआ है कि एक क्राइटेरिया है कि डोमिसाइल के बेसिस पे सीट्स रिजर्व की जा सकती है जॉब में, बट दैट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स। पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है इस चीज को करने की, कि जो डोमिसाइल बेस्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, दैट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो राज्य सरकारों के पास ये पावर नहीं है, स्टेट असेंबलीज नहीं कर सकते ऐसे बिल ला नहीं लग सकते। अब ये चीज हो सकता है बहुत लोगों को फेडरलिज्म के खिलाफ लगे, बट डॉक्टर अंबेडकर के सामने ये चुनौती उस समय भी आई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी, डॉक्टर अंबेडकर के सामने बहुत लोगों ने ये चीज बोली कि स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए। सो दिस वॉज अ क्लेवर पीस ऑफ इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर अंबेडकर। वहां पे उस समय आप देखोगे बहुत सारे लोग थे, उसमें मोस्ट नोटेबल थे महावीर त्यागी जी। तो महावीर त्यागी जी ने बोला कि ये तो बिल्कुल ही घोर अन्याय है अगर स्टेट्स को पावर नहीं मिलेगी अपने लोकल लोगों के लिए स्टेट्स रिजर्व करने के लिए। सो ही वॉज एडवोकेटिंग द रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन एज द बेडरॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। बोला ये तो फेडरलिज्म के साथ धोखाधड़ी है कि आप हमें जो है पावर नहीं दे रहे हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय तो बात समझा दी, बट ही ऑल्सो कंसीडर्ड एट वन पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे कि ही सेड दैट यू कैन नॉट अलाउ पीपल हु आर फ्लाइंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर एज मियर बर्ड्स ऑफ पैसेज विदाउट एनी रूट्स विदाउट एनी कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर प्रोविंस जस्ट टू कम अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड टेक द प्लम्स अवे। ये ऐसे नादान परिंदे टाइप लोग हैं जो आते हैं दूसरे राज्य में, कोई वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते और वहाँ के जो फायदे हैं उसको लेके चले जाते हैं। तो ही रियलाइज दिस फैक्ट, ही वॉज नॉट अवर्स टू इट, उन्हें पता था ऐसा होता है, बट देन ही सेड कि मैं ये पार्लियामेंट को पावर दे सकता हूँ, मतलब वी कैन गिव दिस पावर टू पार्लियामेंट एंड नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया में जो रीजनलिज्म है और जो इतनी डाइवर्सिटी है दैट कैन यू नो पोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। तो उन्होंने उस बेसिस पे पार्लियामेंट को पावर दे दी, ही वॉज नॉट अवर्स टू इट, ही न्यू कि ये है प्रॉब्लम इंडिया में और आगे होगी, बट पार्लियामेंट वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट अथॉरिटी टू हैंडल दिस, स्टेट्स को नहीं दे सकते थे। तो क्योंकि पार्लियामेंट का क्या माना जाता है, वो एक जो रूल लगाएगा वो यूनिफॉर्मिटी से हर जगह के लिए लगाएगा। और ये चीज आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ जो डोमिसाइल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये दो तीन केसेस है जहां पे इसको रिट्रेट किया गया है कि ऐसा नहीं कर सकते। एक है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पे कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन इशू किया था। सिमिलरली एक केस है इन कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, द कोर्ट हैड वॉर्न्ड अगेंस्ट एनी पैरोकियलिज्म। सिमिलरली आंध्र प्रदेश विल इज सब जुडिस इन द हाई कोर्ट। सो आंध्र प्रदेश में जो अभी तक ये चल रहा है, ठीक है, तो ये मतलब ऐसे इश्यूज हैं जो कई बार आते रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, बट अभी क्या है कि हरियाणा में ये सो मेन इशू दिस इज कि हरियाणा में जो अभी किया जा रहा है वो ये जानते हुए किया जा रहा है कि ये कोर्ट में शायद स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा फिर भी किया गया, सिंपल रीजन इट्स पॉलिटिक्स। तो अब इसके क्या इश्यूज हैं, मैंने कल आप लोगों के काफी लोगों के कमेंट्स देखे थे, तो सब लोग बोल रहे थे कि ये पॉलिटिक्स को प्रमोट करेगा, रीजनलिज्म की टेंडेंसी को और बढ़ाएगा, ग्रुपिज्म बढ़ेगा, बात बिल्कुल सही, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, इसलिए मैंने बोला कि आज हम लोग सो आप ये कह सकते हो कि वी आर लकी इनफ कि हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसके ऊपर ही सेम आर्टिकल आ गया एंड द पॉइंट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। तो जैसे दो तीन पॉइंट ऊपर इन्होंने लिखे हैं, दैट इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड कि बीजेपी ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, सो विल नॉट गो इनटू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज बिल्स विल ओपन अप अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव एथनिक पॉलिटिक्स।
तो आपका जो रीजनलिज्म जो है वो ऑलरेडी है और वो और बढ़ेगा. सो कॉम्पिटिटिव एथनिक पॉलिटिक्स का आप कह सकते हो कि उसको बढ़ावा मिलेगा. अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि ऐसे देखा जाए हरियाणा ऐसा बिल लेके आया, ये बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि हरियाणा के मोस्टली लोगों को तो एनसीआर का फायदा मिलता है. फॉर एग्जांपल नाउ नोएडा एंड दिल्ली पीपल कैन से कि हम हरियाणा के लोगों को यहाँ काम नहीं करने देंगे बिकॉज मोस्ट कंपनीज आर हियर इन नोएडा. क्यों? क्योंकि भाई वो तो दूसरे स्टेट के हैं. तो दिस कैन ऑल्सो हैपन. तो वो बोलेंगे गुड़गांव के लोग नहीं आएंगे नोएडा काम करने के लिए, नोएडा वाले गुड़गांव नहीं जाएंगे सिमिलरली. तो दिस इफ दिस गोइंग टू हैपन दिस इज गोइंग टू बी अ पेटेंट क्लास डिस्क्रिमिनेशन. मतलब दिस इज आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली शायद कुछ लोगों ने पॉइंट मेंशन नहीं किया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गरीब लोगों गरीब माइग्रेंट्स के साथ नहीं है. उनके लिए तो सोच ही नहीं रहे. दिस इज अबाउट एजुकेटेड यूथ जिनको शायद जॉब्स नहीं मिल रही है. सो दीज पुट एंट्री बैरियर्स ऑन लोअर स्किल माइग्रेंट्स आर ओन इंटरनल वर्जन ऑफ एन H-1B वीजा. ठीक है, तो ये H-1B वीजा जो है उस तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप एजुकेटेड यूथ हो तो आप यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, इफ़ यू आर रिच एंड प्रिविलेज और हाईली स्किल देर इज नो एंट्री बैरियर्स. बट अगर आप थोड़े लोअर स्किल के हो इन द सेंस कि 50,000 तक की जॉब कर रहे हो उससे भी नीचे कर रहे हो लो स्किल टेक्निकली अगर हम बोले तो आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके का. एंड द ग्रेटेस्ट डैमेज अकॉर्डिंग टू द ऑदर इज कि ये जो बिल है इट डज इज टू इंक्रीज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट टेकिंग अस बैक टू द लाइसेंस राज परमिट Permit Raj where companies will have to bargain or worse bribe the state for exemption. This is an antithesis of regulatory reform. So 91 में जो हमने reform किए थे Permit Raj system को खत्म किया था कि लोगों को इतने license चाहिए होते थे companies को चलाने के लिए, वो हमने खत्म कर दिया था. But अब ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा बिल लेके आया this is resulting in you know the companies will have to seek permission कि भैया हम तो हमारे पास लोग हैं ही नहीं, talent कहाँ से hire करें. तो सरकार permit देगी कि जाओ अब hire कर सकते हो local talent या फिर बाहर से कर सकते हो. तो इसमें उन्होंने बोला है द सोशियोलॉजी ऑफ द बिल इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. इट सीम्स टू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट नॉट द मोस्ट वल्नरेबल वर्कर्स बट द एजुकेटेड हु कैन नॉट सीम टू बी एबल टू कम्पीट इन द टाइट लेबर मार्केट. तो जो डायनेमिक्स है सोशल डायनेमिक्स ऑफ द बिल इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई ये लेबर क्लास के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो शायद लो स्किल जॉब में है और शायद उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही है हरियाणा के बाहर. सो दे आर और बाहर के लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं. मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, सोचो कि UPPCS का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, रिजल्ट आया था. आप देखो उसमें जो टॉप 10 में लोग हैं उसमें 5-6 तो हरियाणा के हैं, टॉपर भी हरियाणा के हैं. तो कायदे से तो यूपी सरकार को भी ऐसा कर देना चाहिए. यहाँ के लोग तो यूपी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ की पॉपुलेशन सबसे बड़ी, लेकिन फिर भी बेचारे बताओ वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे UPPCS में बाहर वाले आके टॉप कर जा रहे हैं. सो ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी कंसर्निंग. तो ये तो गवर्नमेंट में हाल है, सोचो प्राइवेट में करेंगे तब क्या होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ना मतलब इसकी थोड़ी डाइसी क्या है, मतलब मैं आई कैन से आउटराइटली प्रॉब्लमैटिक है. इट विल फ्यूल दिस रीजनल पॉलिटिक्स और ज़्यादा, ये उसको और फ्यूल टू फायर ऐड करेगा. दैट इज़ व्हाट द आर्टिकल सेज एंड इवन दैट इज़ अगर आप देखोगे एक्सप्लेन सेक्शन में भी ये चीज़ बताई गई है. तो यहाँ पे यही कि देखो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि व्हाट आर द लीगल क्वेश्चन दैट माइट कम इन द कोर्ट, पहला तो ये कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं नहीं दे सकते. दूसरा, वाइल डोमिसाइल कोटाज इन एजुकेशन आर फेयरली कॉमन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता ये. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तो है, आप दिल्ली में चले जाओ DTU में 70-80% रिजर्वेशन है, अलग अलग स्टेट्स में चले जाओ वहाँ पे लोकल से एजुकेशन में तो रिजर्वेशन है, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जैसे लास्ट ईयर मध्य प्रदेश ने बोला था कि हम सारे गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए रिजर्व कर देंगे. तो ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है, आर्टिकल 14-16 के भी वायलेशन में जाता है बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाई पार्लियामेंट. सो अगर हम लीगल प्रोविजन की बात करें फॉर मैंडेटिंग रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पावर आती है वो आर्टिकल 16(4) से आती है, विच सेज दैट राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी भी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो मैनिफेस्ट प्रोविजन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच द स्टेट ड्रॉज द पावर. तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, पब्लिक मतलब प्राइवेट नहीं होता, बिल्कुल ही सेपरेट है. प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इसमें जो एक लूपहोल निकाला जाता है वो लूपहोल ये होता है कि भाई जितनी प्राइवेट कंपनी है उसको इनको जमीन तो सरकार ही देती है तो सारा स्टेट का ही ना, प्राइवेट को अपना खुद का तो कुछ है नहीं, प्राइवेट ने खरीदा है पब्लिक से. सो वन आर्ग्यूमेंट ऑफन मेड इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट जॉब इज दैट सिंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी वेज, टैक्स बेनिफिट्स, रोड्स, वाटर, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, आपकी जमीन हो गई,
There are other benefits that are given, from accessing land through, you know, credit from public bank, tax exemptions. तो एक तरीके से ये भी आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाएंगे. बट ये तो बहुत ही वेग अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब इससे तो पूरा एक पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा. फिर तो सारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही होगी एक तरीके से. इस तरीके से तो आप बोलोगे तो सारी की हर प्राइवेट कंपनी को कुछ ना कुछ फायदा मिलता है सरकार से. तो इस तरीके से आप करोगे तो फिर तो कोई डिफरेंशिएशन रहेगा ही नहीं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में. सो सिमिलर आर्ग्यूमेंट वॉज मेड इन रिक्वायरिंग प्राइवेट स्कूल्स टू कंप्लाई विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो वो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भले ही प्राइवेट स्कूल हो लेकिन आप लोग जो है बहुत बेनिफिट ड्राइव करते हो सरकार की पॉलिसी से, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा. एजुकेशन में फिर भी एप्लीकेबल था. अब ये एम्प्लॉयमेंट में कैसे करेंगे आई डू नॉट नो. मतलब पर्सनली आई थिंक अगर ये होता है तो ये बहुत ही डिजास्टर्स होगा फॉर द इथॉस ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत सारे पिटिशन आ जाएंगे और कोर्ट का ही काम जो है बढ़ जाएगा क्योंकि सब लोग ही फिर केस फाइल करने लग जाएंगे कि ये भी पब्लिक है ये भी पब्लिक है. एवरी प्राइवेट कंपनी देन हैज यू नो डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक एमओयू साइन किया है कि नोएडा में बिगेस्ट कैंपस बनाएंगे इंडिया का. अब वो बोलेंगे अरे ये तो ये भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है. वो यूपी योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ नोएडा के लोगों को ही मिलेगा रिजर्वेशन, यूपी के लोग ही काम करेंगे. ही कैन डू इट पॉसिबली. अब हो सकता है कि कुछ तो देखो सर्टन परसेंटेजेस कैन बी अलाउड बट 75% इज टू मच. प्रॉबेबली द मिडिल वे कैन बी कि कुछ परसेंट कर दिया माइनर सा बट वो भी चैलेंज हो जाएगा. यहाँ पे तो 1% भी कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दो लोग चैलेंज कर देते हैं. तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो काफी डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया. तो लेट्स सी बाकी. तो आई सॉ सम ऑफ द पॉइंट्स. सो स्टिल इफ यू पीपल हैव सम पॉइंट्स आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा वीडियो के. आई यू नो गो थ्रू इट. जैसे कल भी मैंने देखा था आज भी मैं देखूंगा. आई गिव यू फीडबैक अबाउट द इशू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज रिगार्डिंग द प्रॉमिस टू मैरी इन केस ऑफ रेप का जो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जजमेंट्स आ चुके हैं. महाराष्ट्र का रिसेंट जजमेंट है. तो ये जो है प्रॉमिस टू मैरी केसेस की कैटेगरी बना दी गई है. अच्छा इसमें 2-3 चीजें हैं. एक तो है कि केसेस थोड़े अलग हैं प्रॉमिस टू मैरी केसेस. एक तो इसमें है कि ये फर्स्ट इंस्टेंसेस प्रोबेबली अ सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज. जो बहुत सारे केसेस आप देखते हो आते रहते न्यूज में कि किसी के ऊपर केस कर दिया गया क्योंकि उसने सेक्सुअल रिलेशन रखे एंड शादी के लिए प्रॉमिस किया था शादी नहीं किया. दैट्स वन केस. सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी डील करता है उससे. बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉड के बेसिस पे. अब वो फ्रॉड प्रूव करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सो द इंटायर इशू इन दिस केस इज दिस सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी. आईपीसी का सेक्शन 90 ही प्रूव करना होता है कोर्ट में कि या तो ये सही है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है या फिर फ्रॉड है. उसके बेसिस पे बताना होता है. एएमजी मैं आपकी बात से तकल्लुफ रखता हूं. आई अंडरस्टैंड योर पेन. आई डू अंडरस्टैंड कि वैकेंसीज कम निकली हैं और उसका रीजन मैंने आपको बताया कि शायद वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं. देखो वो वैकेंसीज फाइनल नहीं होती हैं बढ़ भी सकती हैं. कुछ चीज़ें जनरली कई बार क्या होता है कि वो बाद में रिलीज करते हैं. बट आई डू अंडरस्टैंड दैट द वैकेंसीज आर रिड्यूसिंग. 712 है पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे. और यस देर इज और शॉर्टफॉल ऑफ ऑफिसर्स. उस कायदे से उस हिसाब से सरकार को वैकेंसी बढ़ानी चाहिए. आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई टोटली अग्री विद यू कि सरकार को और वैकेंसी देनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कमी नहीं है. बहुत कमी है. अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 1500 आईएएस ऑफिसर चाहिए उनको और 1000 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर कम है इनके पास. सो दे नीड मोर पीपल. दे नीड टू ब्रिंग आउट मोर वैकेंसी. द प्रॉब्लम आई थिंक इज मोस्टली राइट नाउ इज मिस्टर मोदी वॉन्ट्स कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो काम करें. ऊपर वाले लोग काम नहीं करते सारा काम नीचे डेलीगेट कर देते हैं. सो वो थोड़ा ऊपर से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. देन प्रोबेबली दे कैन इंक्रीज द इन वैकेंसीज इन फ्यूचर. बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई टोटली सपोर्ट योर पॉइंट. तो अगर हम ये देखें जो केस है दीज केसेस आर यू नो वेयर सेक्सुअल वायलेंस इज ब्रॉट इनटू द लाइट इन एन इंटीमेट पार्टनर रिलेशनशिप फॉलोइंग द अक्यूज्ड यू नो रेनेगेजिंग ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी. तो इसमें ज्यादा जुडिशियल अटेंशन पे नहीं किया गया है और इसके जो केसेस हैं उसके काफ़ी ज़्यादा वाइड इम्प्लीकेशन है. तो जनरली आप देखोगे प्रॉमिस टू मैरी जो केसेस हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं. दो सिचुएशंस अराइज होते हैं.
पहला होता है व्हेन द रेप इज कमिटेड एंड अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज मेड टू रिस्ट्रिक्ट द वुमेन फ्रॉम अक्यूजिंग रेप. पहला होता है कि या तो आपने रेप कर लिया, रेप हो गया, उसके बाद जो 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 अक्यूज है वो क्या बोलता है कि मैं शादी करने का प्रॉमिस करने की बात करता है, और ताकि वो जो है वुमेन उसको रिपोर्ट ना करे. पहला तो ये केस. दूसरा होता है देन दिस, क्योंकि इसी में क्या होता है पहले केस में ही, देन दिस प्रॉमिस इज मैनिपुलेटेड टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड इंटरकोर्स फॉर फर्दर फ्यूचर सिचुएशंस एज वेल. दूसरे केस में क्या होता है कि व्हेन द प्रॉमिस इटसेल्फ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कि दे एक कपल है, रोमांटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, दे आर सेक्सुअली इंगेज्ड, और वहां पे लड़के ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बट वो नहीं करता है. तो इनको लेके उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे बड़ी क्लियर गाइडलाइन इशू की गई है वहां पे कि वो जो केस था उसमें था एक 19 ईयर ओल्ड महिला थी, शी बिकेम प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड बट लड़के को कोर्ट ने एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ऑन द ग्राउंड दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ बीइंग मैडली इन लव एंड मेक प्रोमिसेस लूजेस ऑल सिग्निफिकेंस विद इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी. तो उन्होंने बोला कि अरे भाई दोनों ही इन्वॉल्व थे, दोनों दोनों आपके क्या थे, अडल्ट थे, दोनों कंसेंटिंग अडल्ट हैं, दोनों ने यू नो विलफुली इंगेज किया इस एक्टिविटी में, तो उसमें लड़के को क्यों ब्लेम कर सकते हो आप, अब नहीं हो पा रही शादी, नहीं हो पा रही. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आयरनी इज कि इसमें कोर्ट ने जो आपका एक पैरोकियल टेंडेंसी, तो कैसे मतलब जो सोशल इशू है एंडोगैमिक है, उसको प्रमोट कर दिया. कैसे? कोर्ट ने इनडायरेक्टली क्या गल दिया, कोर्ट ने बोला कि लड़की को समझना चाहिए था कि लड़का ब्राह्मीन है और आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, तो शादी तो वैसे ही बड़ी डिफिकल्ट थी. सो द कोर्ट इटसेल्फ टुक साइड ऑफ द लड़का ऑफ द बॉय, सेइंग दैट कि लड़की को सोचना चाहिए था कि ओबीसी को बिलोंग करते हो आप, एंड ब्राह्मीन के जैसे जो स्टॉन्च फैमिलीज होती हैं उसमें जो है आपके फैमिली तो वैसे ही अग्री नहीं करती, तो इनडायरेक्टली जो है आपका जो कास्ट सिस्टम है उसको ही रीइंफोर्स कर दिया कोर्ट ने. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला, दैट कैन बी कोटेड इन GS1 सोशल इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. देन देयर वाज अ सिमिलर केस इन बिहार, इसमें जो था वो दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था. द विक्टिम वॉज शेम्ड इवन दो द अक्यूज हैड प्रॉमिस टू मैरी हर इन ऑर्डर टू साइलेंस अ पास्ट इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. ये उसका एक्सटेंशन है जो उदय केस में बोला, यहां पे भी कोर्ट में बोला गया. इसमें जो मेन इशू है वो है सेक्शन 90, जैसे मैंने बताया सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेज कि ये प्रूव करना होता है कोर्ट में कि जो ये प्रॉमिस है फॉर सेक्सुअल फेवर वो आपकी जानबूझ के की गई है, वो जो है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट या फिर फ्रॉड से किया गया. अगर वो आप नहीं प्रूव कर पाते कोर्ट में तो फिर एक्विटल मिल जाता है, छोड़ दिया जाता है. सो मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट अंडर सेक्शन 90 रिक्वायर्स अ फॉल्स प्रॉमिस सिंस इंसेप्शन, दैट इज द अक्यूज नेवर इंटेंडेड टू मैरी द सर्वाइवर. इट ऑल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड अ फॉल्स प्रॉमिस बाय स्टेटिंग दैट ओनली द लैटर विशिएट्स कंसेंट अंडर सेक्शन 90. द पोजिशन हैज बीन रीइंस्टेटेड इन सब्सिक्वेंट जजमेंट. तो मेन आइडिया है कि कोर्ट में ये प्रूव करना है कि भाई सेक्शन 90 का वायलेशन हुआ है, सेक्शन 90 अप्लाई किया जा सकता है, कि जो लड़का है उसने शुरू से ही कोई इंटेंशन नहीं था शादी करने का, या तो उसके एक्शंस थे या उसकी बातें थी, या जो भी चीज प्रूव की जा सके विद मटेरियल एविडेंस इन द कोर्ट दैट इट वाज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी. सो द लैंग्वेज ऑफ लव एंड पैशन यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट कंसेंट इन दीज केस ऑब्सिफिकेट्स द पावर डायनेमिक्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप. द कोर्ट मतलब यहां पर कोर्ट एक तरीके सजेस्ट कर रहा है दैट वुमेन हु फेल टू अडियर टू कास्ट हायरार्कीज ऑट टू पे द प्राइस फॉर इट. ऐसा ही लग रहा है, मतलब इन दो जजमेंट्स का अगर आप देखो ऐसा लग रहा है बहुत क्लियरली कि या तो महिला को समझना चाहिए कि भाई सिचुएशन बड़ी ऐसी कि शादी हो नहीं सकती, तो या तो आप इन्वॉल्व ही मत हो ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में जहां पे सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए आपका लड़की के साथ. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कास्ट डायनेमिक है और ये खत्म नहीं हो सकता. सो इसीलिए अब इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें अगर हम बात करें इसके बारे में कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को बढ़ा दें शायद उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा. So an expansive definition of consent under criminal law may not successfully address the intricacies of this issue, given the risk of over-criminalization of its disparate impact on the marginalized. Generally, marginalized section of logo ko bahut zyada iska impact face karna padta hai, especially jo marginalized section of mahilaye hain. To isliye thoda zaruri hai ki it's worth reconsidering that beyond a criminal legal determination of consent. To aajkal kya hai, bahut sari countries mein na restorative justice practices hoti hai ki wahan pe एक तरीके से काउंसलिंग होती है, बुलाया जाता है, उसमें कोशिश की जाती है कि दोनों को म्यूचुअली शादी करा दें. मतलब एक होता है कि इसमें इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट
रेस्टोरेशन करा जाता है, रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस बोलते हैं, काउंसलिंग करके शादी करा दें, समझा समझा के मतलब इश्यूज को और कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, क्योंकि अगर इसको हम क्रिमिनलाइज कर देंगे और ज्यादा तो ये और इसको बढ़ावा देगा। ऑनेस्टली यही होता है, जब यू क्रिमिनलाइज दीज थिंग्स उससे चीजें बढ़ती हैं, कोई सही नहीं होती है। आप खुद ही देख लो निर्भया केस के पास इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, कोई इस रेप के केसेस में कमी हुई नहीं हुई। सो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बैलेंस होता है जब आप लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट बनाते हो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सो द आइडिया इज टू बेसिकली यूज योर रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिसेस। ऑफकोर्स लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा ये वाला जो सेक्शन है आप कह सकते हो कि ये महिलाओं के थोड़ा सा खिलाफ है। जनरली आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली जो सेक्शंस हैं या प्रोविजंस हैं वो महिलाओं के फेवर में दिखते हैं, बट यहाँ पे इट इज टेक्निकली अ लिटिल बिट अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट फीमेल। तो आप लोग इसके बारे में और क्या सोचते हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है हिंदू में आया था, नॉट सो स्टेलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, दिस इज अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स को लेके। तो ये एक रीडिंग कर लेना, टीम ने आपको बाइफर्केट कर दिया, मतलब ये दिस इज बेसिकली अ कोर्ट बैशिंग आर्टिकल कि कोर्ट्स ने ये नहीं किया, कोर्ट्स ने वो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये होल्ड नहीं किया। सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, हमने सिमिलर आर्टिकल्स पहले भी किए हुए हैं, सो वी डू नॉट नीड टू गो टू मच इनटू डिटेल इन दिस स्पेसिफिक वन। सो फर्स्ट न्यूज़ जो सुबह सुबह आई है वो है आपकी, बड़ी ही कंसर्निंग है। तीन बहुत पावरफुल क्वेक अर्थक्वेक्स ने स्ट्राइक किया है न्यूजीलैंड को, एंड द बिगेस्ट वन इज 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है एक, उसके बाद फिर एक 7.4 का हुआ, फिर एक 8 का हुआ। तो अभी वहाँ पे 100% सुनामी वार्निंग इशू कर दी गई है, पॉसिबिलिटी है सुनामी आ सकती है, एंड दिस बेसिकली स्टक नियर द कर्मेडाक आइलैंड्स वेयर फेल जस्ट आवर्स आफ्टर 7.3 मैग्नीट्यूड। बहुत ही हाई कह सकते हो आप मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है ये, एंड रिक्टर पे 7.3 7.48, मतलब तीन इतने बड़े एक साथ आना, मतलब इट्स लाइक वन ऑफ द रेयर फिनोमिना, क्योंकि तीनों बहुत ही हाई एनर्जी अर्थक्वेक हैं और तीनों एक साथ ही इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आसपास आए हैं बिल्कुल। दैट मीन्स ये बहुत सालों से या बहुत ज़्यादा या तो नीचे जो कन्वेक्शनल करंट जो है आपका स्ट्रांग हो चुका है, और या तो बहुत टाइम से ये पेंट अप थी जो आपकी जो प्लेट्स है इधर पैसिफिक में, ये पैसिफिक प्लेट्स बहुत टाइम से ये फंसी हुई थी यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे। सो पॉसिबिलिटी ऑफ अ सुनामी, लेट्स होप कि सब चीज़ ठीक हो, एंड सुनामी आएगी तो ऑफकोर्स ऑन दी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये वाला शायद बता रहे हैं कि रिवाइज किया गया, इसको 8 से 8.1 कर दिया गया। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज कर रही है स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्रेनी ऑफिसर्स, जीआई महोत्सव ऑर्गेनाइज एट लबासना। तो ये अभी रिसेंटली अभी लबासना में आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो नए इस समय ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स और बाकी सारे ऑफिसर्स, उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में समझाने के लिए। तो देर आर मोर देन 75 आर्टिस्ट हु आर कनेक्टेड टू दिस, एंड वो अलग अलग रीजन से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मैंने कल देखा था, बहुत सारे लोगों ने इसको कल शेयर भी किया था। सो दिस इज बेस्ट इन क्लास एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो OTT कंटेंट है इसको चेक करने की जरूरत है, एंड नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम जो है ये जरूरी है कि ये लोग अपना जो है रेगुलेशन, जो सेल्फ रेगुलेशन, उससे बेटर है कि सरकार को भी ये सब चीज़ें दिखाएं और एक बार उसको वेरीफाई करवाएं, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कि जो फिल्म्स हैं कुछ कुछ यहाँ पे उसमें पोर्नोग्राफिक चीज़ें दिखाई जाती हैं एंड पीडोफाइल के बारे में दिखाया जाता है। सो some content are not checked by these companies which underage children can watch. So the information technology, आपको पता है recently नए guidelines issue किए गए हैं 2021 के, जो require करते हैं streaming platforms to comply with a new three-tier
self-regulatory complaint redressal system. So the OTT platforms were like cinema halls where one had to pay to view a film. तो यहाँ पे अब क्या एक तरीके का आपका डिजिटल मोड में है, तो यहाँ पे भी आप पैसे देके एक तरीके सब्सक्रिप्शन लेके आप देख रहे हो, बट कोई सच रेगुलेशन नहीं है. बाकी 20 लोग म्यांमार से भाग के आ गए हैं इंडिया के बॉर्डर पे, एंड दे आर सीकिंग रेफ्यूज इन इंडिया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. वहाँ पे इलीगल क्रैकडाउन कर रही है वहाँ की जो मिलिट्री है उनका. सो ऑल बिलोंग टू द चिन एथनिक ग्रुप टू विच द मिजो कम्युनिटी ऑफ मिजोरम बिलोंग्स. सो इंडिया का लगभग 1600 के किलोमीटर के आसपास, 1640 के आसपास आप देखोगे, 45 के आसपास जो है किलोमीटर है बॉर्डर है आपका म्यांमार के साथ. एंड एटलीस्ट 50 पीपल हैव डाइड सिंस द मिलिट्री कू इन फरवरी 1. तो वहाँ पे ना एक चिन नेशनल आर्मी है, वो एक एथनिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है म्यांमार का. तो उन्होंने जो आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पे अप्रोच किया था कि वो आर दे आर सीकिंग रिफ्यूज इन इंडिया. तो मोस्टली आप देखोगे मिजोरम में जो लोग हैं ना, मिजो कम्युनिटी, वो चिन को बिलोंग करती है, एंड दे हैव बीन माइग्रेटिंग ओवर सम फ्यू ईयर्स टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया. बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन. तो बेसिकली यहाँ पे इसको ये टू डेवलप लैंड अवेलेबल एट ईच लेबोरेटरी टू बी सेट अप एज अ मॉडल अंडर दी CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन. तो ये लगभग 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अप्रूव किया गया है जहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाएगा. एंड इंडिया हैज़ डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक एडिफिक कंडीशन एंड रिच प्लांट डाइवर्सिटी. इट शेयर्स ओनली 0.6% ऑफ ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट. तो कमर्शियल फूल जो फ्लावर्स हैं, फ्लोरल क्रॉप्स पे इस पर एम्फेसिस रहेगा. सीजनल एनुअल क्रॉप्स, वाइल्ड ऑर्नामेंट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, हनी बी रेयरिंग के ऊपर भी इस पर, एपिकल्चर के ऊपर भी इस पर एम्फेसिस रहेगा. सो कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया का जो ये परसेंटेज बढ़ाया जाए. सिर्फ 0.6% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट में इंडिया का. सो द इंडियन फ्लोरिकल्चर मार्केट वॉज वर्थ 15,700 crores. द मार्केट्स प्रोजेक्टेड टू रीच 47,200 crore बाई 2024. जेनुथ, इफ यू हैव मेड, ये मैं सब लोगों को बता दूँ, UPSC का कल नोटिफिकेशन आ गया, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी. अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म गलत सबमिट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से नया फॉर्म भर सकते हो. जो भी नया फॉर्म भरोगे, लास्ट वाला वो फाइनल माना जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो जो लेटेस्ट वाला होगा उस, क्योंकि एडमिट कार्ड मान लो तीनों का जनरेट हो गया, तो जो सबसे लास्ट में आपने भरा है ना, जैसे जो आपने कल भरा, जो आज आप भरोगे, उस वाले का एडमिट कार्ड लेके आप जा सकते हो. वो UPSC भी उसको फाइनली मानता है जो लास्ट आप भरते हो. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो आपको पता है बांग्लादेश बॉर्डर के पास BSF और काफी बार वहां पे ना स्कर्मिशेस हो जाती हैं बिटवीन दीज इलीगल ट्रैफिकर्स. सो क्रिमिनल एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. सो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट इशू किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग ऑफ बांग्लादेश नेशनल्स इन 2020. तो ये काफी बार ये बायलैटरल इशू में एक पॉइंट रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, कि वहां से जो है BSF फायर कर देती है. बट क्या करे BSF, कैटल स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग सब तो हो रही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इस बॉर्डर से, इस वजह से ये थोड़े केसेस बढ़ जाते हैं. बाकी इंडिया विल कमोमरेट चाबहार डे. सो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है दैट इंडिया जो है सेलिब्रेट करेगा चाबहार डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनगोइंग मैरिटाइम इंडिया समिट विच इज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली. तो इसमें मिनिस्टर्स आए हुए हैं अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के. एंड चाबहार पोर्ट, एज यू नो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. गिव्स अ कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड गिव्स अ कनेक्टिविटी टू यूरोपियन मार्केट्स. बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी चेक बाउंसिंग के केसेस को लेकर. सो द 5 जजेस बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि ये जो चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, ये काफी बढ़ गए हैं, तो इसको, इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गई है, तो इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए इसको कम करने के लिए. क्योंकि मोस्टली जो केसेस आने लग गए हैं वो फास्ट ट्रैक, ये जो चेक बाउंसर के केस, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ गया इनका ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. बाकी SpaceX का स्टारशिप SN10 वो एक्सप्लोड कर गया आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग. सो रीज़न ऑफ एक्सप्लोजन अभी नहीं पता, बट ये जो स्टारशिप प्रोटोटाइप था, इट एक्सप्लोडेड आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग. तो ये जो सिस्टम है, इट इज़ अ 2-stage टू ऑर्बिट हैवी लिफ्ट व्हीकल, SpaceX ने बनाया है, इलॉन मस्क की कंपनी है. एंड जनरली जो इसका सेकेंड स्टेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन कार्गो के लिए यूज़ किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए या फिर आपके स्पेस मिशंस के लिए. तो ये एक सेल्फ फंडेड प्राइवेट स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है जो SpaceX अपनी तरफ से मैनेज कर रहा है. बाकी महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया निकाला गया है फॉर OBC इन महाराष्ट्र लोकल बॉडीज, इट शुड नॉट एक्सीड एग्रीगेट 50% ऑफ द टोटल सीट इन फेवर ऑफ SC ST OBCs.
तो सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति एक्ट 1961 व्हिच प्रोवाइडेड 27% रिजर्वेशन फॉर पीपल ऑफ ओबीसी। तो उन्होंने इसको क्वाश कर दिया क्योंकि उन्होंने 50% तक रिजर्वेशन दे दिया था, उससे ऊपर जा रहा था ये। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ओबीसी मेंबर जिनको फायदा मिला है इससे वो डीम्ड टू हैव वेकेटेड देयर सीट अपॉन प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो ये आपका कंप्लीट जस्टिस के अंडर जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 142 अयोध्या केस में मोस्ट फेमसली आपको यूज किया गया था। तो ओवरऑल जो आप देखोगे रिजर्वेशन ना 50% से ऊपर चला गया आपका। एज यूजुअल सिलेबस बढ़ गया है देखो, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर का एंड इकोलॉजी का। 5 न्यू श्रब फ्रॉग स्पीशीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो आपको पता है वेस्टर्न घाट्स इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है। तो ये जो है ट्री ओल्ड वर्ल्ड ट्री फॉग फैमिली के हैं, रैको फॉरिडे करके जो स्पीशीज है उसको बिलोंग करते हैं। तो इनके जो डीएनए है बड़े डिस्टिंक्ट है, इनका बिहेवियर और पैटर्न बड़ा डिस्टिंक्ट है। एज पर द रिपोर्ट वन ऑफ द न्यू स्पीशीज कॉल्ड एज रॉकरेस्ट द्रोताहू, ये फास्ट कॉलिंग श्रब फ्रॉग है। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, काकायाम श्रब, कीरा श्रब, संजप्पा श्रब, सिल्वर आइड श्रब। बाकी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक इंटरिम गवर्नमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें बोला गया कि अमेरिका जो है रीएंगेज करेगा द वर्ल्ड वाइल्ड स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ एट होम। तो उसमें उन्होंने एक और चीज बोली, उन्होंने बोला कि इंडियन अमेरिकन आर टेकिंग ओवर अमेरिका। सो उन्होंने बोला जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो लोग अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट पोजिशन है यूएस में इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड कर रहे हैं। तो उसके अलावा दे आर गोइंग टू वर्क अराउंड विद कंट्रीज जो साउथ चाइना सी में है, दे विल अर्न बैक द पोजिशन ऑफ लीडरशिप जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उन्होंने लूज कर दी थी। इन सब चीज़ों पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी निकाली है, वो खैर आगे देखने वाली बात है। एज ईरान रुपी रिजर्व ड्रॉप ट्रेडर ऑलमोस्ट ट्रेड्स यू नो हॉल्ट एक्सपोर्ट्स। अब क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे थे, दे कैन नॉट ट्रेड इन डॉलर। इंडिया से वो अब क्या करते थे, रुपी में ट्रेड करते थे। अब उनके पास रुपी के जो एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो भी खत्म हो गए, तो अब कैसे ट्रेड करें। तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है अब इनके यहाँ पे, तो उनके रुपी रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं तेहरान के। बाकी यूएनजीए ने डिक्लेयर किया है 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 100% वन क्वेश्चन कमिंग इन योर प्रीलिम्स 2021 फ्रॉम दिस। मैं अभी लिख के दे सकता हूँ आपको, 5 मार्च आज तारीख है, यहाँ से एक सवाल आ रहा है, या तो मिलेट्स के किसी की मिलेट के ऊपर आ जाएगा ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, या फिर इससे आ जाएगा, या फिर वो एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग या मिलेट के सोइंग के ऊपर कोई सवाल आ सकता है। तो फाइनली 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली ने 2023 ईयर को डिक्लेयर कर दिया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था। तो सो इंडियाज परमानेंट मिशन टू यूएन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड मुरुकू। मुरुकू बड़ा फेमस मिलेट स्नैक है टू ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स। तो यूएन जनरल असेंबली ने April 26th हैज प्रोक्लेम द यूएन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन फ्रॉम द ईयर 2016-2025। तो फाइनली 2023 को इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया। बाकी येमेन के जो हूतीज हैं दे क्लेम मिसाइल स्ट्राइक ऑन ऑयल प्लांट। तो ये जो आपको पता है ये हूती रेबल्स हैं, दीज आर शिया कम्युनिटीज, दे आर फाइटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोस्टली सुनी डोमिनेटेड है। तो इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने जो सऊदीज से लड़ाई करते रहते हैं ये लोग भी, इनका भी अलग ही चल रहा है, ये चलता ही रहता है इनका। तो इन्होंने कुछ जो मिसाइल हैं ये इन्होंने फायर करी हैं ऑन द ऑयल प्लांट। तो सऊदी अरामको जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी की, उस पर इन्होंने अटैक किया। पहले भी इन्होंने ड्रोन अटैक किया था उसी को लेकर। तो ये पूरा एरिया बड़ा वॉलेटाइल है, मैपिंग के लिए याद रखिएगा, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बबल मंदिर, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन है, सोकोत्रा इज एन आइलैंड ऑफ येमेन बट मच क्लोजर टू सोमालिया। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया का जो यूके और इडबी बैंक है ये जनरली लेंडर्स हैं, ये ऑथराइज हैं रुपी रिजर्व देने के लिए, रुपी ट्रेड कराने के लिए। तो अब क्या है, क्योंकि यूएस पे सैंक्शंस लगे थे यूएस के ईरान पे, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते थे डॉलर्स में, तो इंडिया के रुपी से ट्रेड करते थे। तो यहां से अब इंडिया को अब जो है ये जो शुगर हो गया, ट्री हो गया, राइस हो गया, इसमें ये लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो है वो $51 बिलियन क्रॉस कर गया है। स्पेशली आप देखोगे COVID-19 के बाद जैसी इकॉनमी की सिचुएशन थी, हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24% ग्रो कर गया है इन December 2020, टेकिंग द टोटल इन द फर्स्ट 9 months टू रिकॉर्ड $67.54 बिलियन। 22% ज्यादा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2019-20। तो एफडीआई बढ़ रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है इस साल।
बाकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है रिलीज किया गया है, इसमें शिमला और बेंगलुरु को माना गया एज द मोस्ट लिवेबल सिटीज. सो अंडर द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रैंकिंग्स वर अनाउंस्ड फॉर सिटीज फॉर विच अराउंड 111 सिटीज को असेस किया गया था. तो उसमें 35% वेटेज था क्वालिटी ऑफ लाइफ को, 15% ऑन इकोनॉमिक एबिलिटी, 20% ऑन सस्टेनेबिलिटी, 30% ऑन सिटीजन परसेप्शन सर्वे. तो बेंगलुरु इमर्ज एज द बेस्ट सिटी, जिसमें लगभग आप देखोगे 49 मिलियन प्लस सिटीज इन द ईयर के पैरामीटर्स में आप देखोगे. अहमदाबाद वॉज रैंक थर्ड, सो सेकेंड पे पुणे है, और इसके अलावा आप देखोगे लोएस्ट में है धनबाद, बरेली एंड श्रीनगर. तो श्रीनगर थोड़ा कंसर्निंग है. बाकी लेस देन अ मिलियन पॉपुलेशन में अगर आप देखें, शिमला को हाईएस्ट रैंक किया गया है. बाकी इस कैटेगरी में आप देखोगे मुजफ्फरपुर वॉज द लोएस्ट. बाकी सिमलीपाल में आपको पता है कि हमने लास्ट टॉपिक है आज का, सिमलीपाल फॉरेस्ट जो है और बायोस्फीयर रिजर्व में आग लगी हुई है, तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं. तो आप देखो सिमलीपाल सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है. सो मोस्टली आप देखो नेचुरल कॉजेज लाइटनिंग भी हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे ट्री के वैराइटीज़ होते हैं जो नेचुरली फायर पकड़ सकते हैं. तो ड्राइड लीव्स है, आप देखो आसपास आपका थोड़े बहुत ट्रीज जो है, डेसिडियस ट्रीज जो है वो लीव्स शेड करने लग गए हैं. तो पोचिंग भी एक बहुत बड़ा केस है, जो हंटर्स होते हैं वो लोकल आग वाग जलाते हैं वहाँ पे, उसको बुझाते नहीं है तो उससे आग पकड़ लेती है. एंड कई बार जो विलेजर्स हैं वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं, दे डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन बोलते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, वो महुआ फ्लावर्स ईजी हो जाता कलेक्ट करने के लिए, विच इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. भालुओं को बहुत पसंद है, इंडिया के स्लॉथ बेयर को ये, और आपके ये स्पूरियस लिकर बनाने के काम आती है महुआ. सो विलेजर्स ऑल्सो बिलीव बर्निंग पैचेस ऑफ साल्ट ट्रीज विल लीड टू बेटर ग्रोथ. तो ये कुछ पॉसिबल रीजन ऑफ फायर इन द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. चलिए लास्ट दो सवाल करेंगे फिर आज का एनालिसिस एंड करेंगे. दिस आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी, लोअरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस्ड. डी कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो. बीडी है, मतलब बहुत सारी चीजें कह सकते हो आप वैसे तो. अरे नहीं अभिषेक, महुआ के जो फूल होते हैं ना, वो महुआ उसे बहुत पसंद है. भालू थोड़ी बीड़ी पिएगा यार. बीड़ी के लिए तेंदू होता है, वो तेंदू लीव होती है, महुआ नहीं यूज होता. करेक्ट आंसर है इसका डी. ठीक है, डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया दोनों के बीच में, इसको ये कर दिया, इसको स्वैप कर दिया. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज स्टोरिंग ऑफ द कार्बन एंड डी कार्बोनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी. चलिए अगला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशन. इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकग्नाइज किया था एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट नेशन, एंड द गैंगेस वाटर ट्रीटी 1996 वाज साइन बाय इंडिया बांग्लादेश टू शेयर ड्राई सीजन फ्लो ऑफ द गंगा. बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस कि आप उन दोनों टॉपिक के जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं. सो द करेक्ट आंसर इसका है सी, दोनों ही सही है. सो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री ऑफकोर्स, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश जो आप देखोगे जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, तो इंडिया ही वॉज द मेन पार्टी जिसने एक तरीके से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दिलाई थी. और इंडिया बांग्लादेश के बीच में ऑलमोस्ट 54 कॉमन नदियाँ हैं छोटी बड़ी मिला के. सो एक बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन विच हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस जून 1972 टू मेंटेन लियाजॉन बिटवीन द टू कंट्रीज टू मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉमन रिवर सिस्टम. बाकी कॉम्बैट 7 मार्च 11 बजे भूलिएगा मत, बहुत ज़रूरी है. Created by top educators, I'll be giving the questions on polity, so do participate in it. Rank 1 to 3, 5 to 10, 11 to 50, सबको मिलेंगे complimentary plus subscription. Duration आप choose कर सकते हो. 60 minutes में 60 questions solve करने हैं, थोड़ा fast pace है but इसी का मजा है. तो आप use कर सकते हो code DPS live to participate in it. बाकी
टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे नोट्स डेली इसके, और इसके अलावा स्पेशल क्लासेस सीरीज के लेक्चर आज लाइव हो जाएंगे, तो आप लोग उसको एनरोल कर लीजिएगा। वो आपको मेरे प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैट के भी आपके लिंक दिए हुए हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए भी दिया हुआ है, तो DPS लाइव कोड है या डीप 27 दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो देवी सोचनो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप यू पीपल हैड अ ग्रेट एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन द वीडियोज एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय, टेक केयर। आज कोई स्पेशल क्लास नहीं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।